दगड़ियों नमस्कार पलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद कर लू की सब लोग ठीक है नला। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं हूँ पूनम बिश नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3:30 बजे से। आज तो लेट में इसलिए हो रही है ना क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब सर्दी जुकाम लगा हुआ है, गले में दर्द है और सुबह तो हल्का बुखार भी था, तो इस वजह से आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। और बाकी धूप आई थी, धूप में बैठे थे आज शुभी भी मैं भी, तो बस आज का पूरा दिन ऐसे चला गया है। और ये देखो मौसम काफी अच्छा हो रहा है, हल्का आपको उस साइड को धूप जैसे लग रही होगी, शायद उस साइड कोहरा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे धूप आई है आज। तो मैं बैठी हुई हूँ, आपको पता है कहाँ पे बैठी हूँ मैं, ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे अच्छी धूप आती है और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना, थोड़ा सा शांति से भी मिलती है। और यहाँ से ना चिड़ियाओं की चहकने की आवाज आती है, कभी कभी तो यहाँ पे मोर आते हैं लेकिन मोर हमें देखते ही भाग जाते हैं, इस एरिया पे आते हैं मोर, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखो, तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना मुझे। तो ये रही हमारी शुभी बच्चा, शुभु सबको जय बोल दो, सबको जय बोल दो। शुभी अपने बिस्तर ऐसे फेंक देती, देखो पाँव से कैसे फेंकते हो ऐसे, शुभु ऐसे ढकी ढकी कर लो बाबू, ठंडा लग जाएगा, ठंडा ठंडा लग जाएगा, कितना ही ढका लो, मैं तो सारा बिस्तर फेंक ही दूंगी। मुझे और शुभी को दोनों को ही ठंडा लगा हुआ है, पहले तो शुभी की भी हल्की खांसी होती है शुभी को और अब मेरी हो गई है ना। शुभू ठीक हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ना मौसम चेंज हुआ एकदम से, परसों क्या हुआ कि बारिश हुई एक दो दिन लगातार और उसके बाद फिर धूप आ गई, तो मौसम चेंज की वजह से हमारी तबीयत खराब हुई थोड़ा सा, है ना शुभू। बोलो और बोलो, आपको सब बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे। मेरा बच्चा बुड्ढी दादी आ गई, बुड्ढी तो शुभी से मिलने के लिए आज फिर से आ गई है बुड्ढी दादी, शुभी की जान दादी बुड्ढी दादी शुभी। ये देखो चार पीढ़ियां हैं यहाँ पे शुभी, चार पीढ़ियां हैं, सास बहू नहीं, सास की बहू की बहू की बेटी बेटी चार पीढ़ियां हैं यहाँ पे। तो गांव से ना अम्मा बुबू आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय, बुबू तो ऊपर हैं भी, अम्मा ही आई हुई है नीचे, तो बस फटाफट से बना रही हूँ चाय। उनको शायद कहीं जाना है तो उन्हें देर हो रही है अम्मा लोगों को। हाँ कागज भेज दिया था मैंने, तो अम्मा बुबू के लिए चाय बनके तैयार हो गई है, तो चलो फिर चलते हैं। पापा नहीं पी रहे, मैंने पूछा नहीं पी रहे, तो अम्मा की चाय तो मैंने यहाँ नीचे दे दी है और अब ऊपर लेके जा रही हूँ बुबू की चाय। मम्मी और पापा नहीं पी रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने अभी ऊपर ना काली वाली चाय बना के पी रखी है, तो चलो फिर ठीक है। अम्मा पहला आपका, तुम चाय पियोगी या चाय नहीं पी रहा? चाय जा पी रहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो फिर बाहर कोई मिलने के लिए आ रखा है, चलते हैं। चलो तो बाहर ना शायद कोई मिलने के लिए आया है, तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी ना घर पे आए हुए हैं सब्सक्राइबर, हेलो हाय हाय, हम है जाला से, जाला से? जाला, हाँ। ओ मैं नाम पूछना भूल गई, आपका नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी अच्छा, और आपका? संध्या। संध्या, और यही रहते हैं नीचे जाला में? हाँ जाला। अच्छा अच्छा, तो कोटाबाग में रहते रहते हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं क्योंकि ऐसे मुलाकात हुई नहीं अभी। आप ये मतलब देख के, मतलब मैंने ब्लॉग देखे इनके, और मम्मी को था पहले पता, मेरी मम्मी को, अच्छा मेरे मायके में मम्मी देखती थी आपके ब्लॉग, बल्ली तो कोटाबाग की है, तो फिर मैंने आपके काफी ब्लॉग देखे उस टाइम, तब अभी मैंने अचानक देखा तो मैंने कहा मिल लेती हूँ मैं अभी ना, ये शायद स्कूटी से आप ही जानते हैं, तो मैं यहाँ चाय देने के लिए आई थी तो पलट के देखते, मुझे लगा शायद इसका एड्रेस पूछ रहे होंगे शायद, तो मैं ऐसी देखे जा रही थी, तो अभी मैं नीचे गई और फिर बैठ होकर के वापस आया, तो पापा ने मुझे बुलाया कि कोई आया मिलने के लिए, तो आओ ना अंदर बैठो। नहीं नहीं अभी लेट हो रही है, अभी जाते हैं। ओके बाय बाय। तो इनके दीदी का चैनल जो है काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, और हमने ये भी पूछा इनसे कि कैसे, मतलब
अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, तो उनको हम भी फॉलो करते हैं, देखते हैं हमारे कितने बढ़ते हैं अब। तो चलें, ठीक है, बाय बाय। तो ऐसे घर पे सब्सक्राइबर मिलने के लिए आते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने तो उनसे बोला कि आओ अंदर बैठो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था तो चले गए। और अम्मा बूबू भी चले गए हैं गांव को। आ गई पापा। तो अभी बज गया है शाम के 5:30 और आप देख सकते हैं हल्का हल्का कोहरा आने लग गया नीचे को, ये देखो। तो अब चलते हैं सीधा ऊपर को, अंदर मैंने ताला लगा दिया है, शुभी सोई हुई है अभी, तो चलो फिर। ये रहा जैकू। हेलो जैकू। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और लेकिन ऊपर कोई नहीं है सिवाय जैकू के, जैकू और मैं है। ये रहा जैकू। बस 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 बस। तो यहाँ ना बाहर से ठंडा होने लगे क्योंकि कोहरा उड़ के आ रहा है ना, देख रहे हो पीछे साइड पे पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया है। अभी तो फिलहाल मैं ऊपर ही हूँ क्योंकि ऊपर के दरवाजे खुले हैं तो मैं जा नहीं सकती हूँ नीचे। पापा गए हैं मम्मी को लेने के लिए, कहीं गई थी मम्मी तो पापा गए हैं लेने के लिए, आ गए मम्मी। मम्मी और अम्मा दोनों आ रहे हैं। नहीं यार, अभी अम्मा ही अम्मा आ रही है तो बाइक में ना अम्मा और मम्मी दोनों साथ में नहीं आ पाते हैं। एक चक्कर पापा अम्मा को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर मम्मी को छोड़ेंगे। देखना पीछे से, ये देखो पापा ने अम्मा को उतार दिया, अब पापा बैक होके गए और दिख रहा है आपको, वो गए पापा, अब मम्मी को लेने जाएंगे। तो देखो मम्मी आ गई है, स्कूटी में आ रही है कंचन के साथ। पापा गए थे मम्मी को लेने के लिए लेकिन शायद पापा नीचे को चले गए होंगे, तो मम्मी आ रही है कंचन के साथ। कंचन हमारे घर वाले चाची का बेटा है, मतलब जो चाची गाँव में रहती है ना हमारे, उनका बड़ा बेटा है। पापा गए थे मम्मी को लेने के लिए लेकिन पापा खाली हाथ आ गए। बाप रे, आज कंचन से कितने महीनों बाद मुलाकात हो रही है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तेरे पापा ने गाय निवादी के मेरे से परमिशन ले रहे थे तेरे पापा गाय लाने के लिए। पापा आपके इंतजारी में बैठे हुए थे वहाँ पर। गाय को ठंडा लग गया। कल वीडियो में देखना। कोई बात नहीं, क्या है वीडियो में देखना, कोई पहचानता है तेरे वीडियो को। अब पहला आप भरे क्यों नहीं बोल रहे पूनम, चलते फिरते बुढ़ा मिल गया। भू पहला हाँ आप ठीक हो, चलते फिरते बुढ़ा मेरे बार मोची भी रहो। आप घर में किराए दी आई क्या? मेरा भी अपना भी। मेरा भी अपना भी। तो शाम के 6 बज गए हैं और मैं नीचे आ गई हूँ। थोड़ी देर ऊपर घूमती रहूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, दो चार लोग मिल जाते हैं बातचीत करने के लिए तो अच्छा लगता है। और अंदर आके देख रही हूँ कि शुभी बच्चा भी उठ गई है, और शुभी बच्चा उठते ही रोती नहीं है। मेरा बच्चा उठते रोता नहीं है यार, ये अच्छी आदत है मेरे बच्चे की, है ना बाबू। तो अभी बज गया शाम के 7 और ये रही मम्मी, गाय का काम करके आ गई है और यहाँ पे पापा खा रहे हैं इस टाइम पे अनार। आप फ्री हूँ मैं। तो चलो फिर अब बारी है आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। पहला कमेंट है आरती आर्या का। हेलो दी, कैसे हो आप? आपसे एक क्वेश्चन था मेरा, कहते हैं कि जिन लड़कियों के गाल में डिम्पल बनता है उनकी सास के साथ नहीं बनती है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या मम्मी? खाली कहावत है ये पुराने जमाने की। हमारी बहुत लड़ाई होती है पता है। छुड़ाने पापा आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, माँ बेटी की तरह रहते हैं। हाँ सही बात है, हम माँ बेटी की तरह रहते हैं, ऐसे सास बहू वाला ऐसा कुछ। हाँ आप देख ही सकते हैं, आप रोज वीडियो में देखते हैं, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। और ये खाली कहावतें होती है, इन पर विश्वास मत करिए आज के टाइम क्यों आप लोग, तो इन छोटी छोटी बातों पे तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। हवा कह रहे हैं बल कब के जोगे कब के जटा। कब के जोगे कब के जटा। ऐसी टेंशन मत लेना। ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। तो अगला कमेंट है दीक्षा ठगुना का। दी, आप जानवरों का काम नहीं करते, आपकी सास गुस्सा नहीं करती? यार बहुत गुस्सा करती है मेरी सास। एक गाय है, मैं जो करूँ बहू जो करेगी उसका। अभी तो भौ को देखना है पहले, गाय बच्चा तो बाद में देखी जाएगी, पहले हमारी शुभी बाबू को देखना है भाई ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वहाँ एक ही गाय है और जानवरों का काम मैंने कभी
करा नहीं है, बस यहाँ आके देखा है बस। इससे पहले तो इतना देखा भी नहीं था, गाय भी नहीं देख रखी थी। हाँ, इससे पहले मैं तो इतना कुछ भी नहीं पता था, यहीं आके देख रही हूँ सब कुछ, तो इसलिए नहीं करती हूँ। हाँ आता तो शायद मैं करती थोड़ा बहुत मम्मी की मदद इसमें भी, लेकिन आता ही नहीं है। गाय है वो मम्मी के लिए कम हो जाती है। हाँ मम्मी तो एक और पालने की सोच रही है। हाँ तो चलिए फिर अगला कमेंट है अभी का लाइव का। दी शुभी कितने महीने की हो गई है? वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ, किसी और ने भी ये कमेंट किया था। शुभी को अब 9 फरवरी को 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और अगला कमेंट भी अभी का लाइफ का ही है। दी आप कौन से सब्जेक्ट से 11th और 12th की हो? तो 11th 12th में मेरे PCM थी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बस। तो आज इतने ही कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ, जितने बाकी बचे होंगे उनको नेक्स्ट व्लॉग में मैं कवर कर लूंगी। बाकी मेरी शुभ बाबू भी करी बाय। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय। शुभ बाबू भी करी बाय बाय। ओके बाय 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 शुभ बाय बाय। शुभ बाबू उठ मगल खड़े हैं, यहाँ से बोल रहा हूँ शुभ बाय। शुभ जो जो बोलता है ना उधर को नजर जाती है शुभ की। हाँ, सब समझ जाए मैं यहाँ को देख शुभ। स्माइल कर दे मेरे बाबू, स्माइल कर दो बाबू। ये देखा, थोड़ा बहुत तो समझ ही जाती है। सब समझता है मेरे बाबू सब कुछ।